यहाँ पे डिनर करके फिर निकलने वाले हैं। तो मार्केट बड़ी खूबसूरत लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है मार्केट तो बड़ी। तो चलिए मैं सामान भी दिखाती हूँ। देखिए होली फ्लैक्स ना बहुत ही अच्छे तरीके से लगा रखे, बहुत ही खूबसूरत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं देखिए फिर से आ गई हूँ। मैं हूँ एक्चुअली कुल्लू में, अभी हिमाचल प्रदेश एचपी के कुल्लू में। तो जैसे कि आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग से देख ही चुके हैं कि मैं अभी यहाँ पे आई हूँ शादी में ना। तो आज है 17 दिसंबर और शादी खत्म हो चुकी है कल। अब हल्का फुल्का सा जो प्रोग्राम रहेगा घर पे आज भी होगा, हल्का फुल्का छोटे मोटे प्रोग्राम तो चलते रहेंगे कुछ दिनों तक। तो हम लोग आज कह रहे हैं वापस निकल रहे हैं यार। वो लोग अभी उठे नहीं है, होटल में सभी के सब सोए पड़े हैं। तो मैं क्या तैयार होकर आ गई हूँ इधर, क्योंकि मेरे रिलेटिव जो यहाँ पे घर पे है ना अभी, तो वो लोग निकलने वाले होंगे सब लोग आके इधर को। तो फिर मैं सबसे मिल लेती हूँ पहले ना। तो मैं जा रही हूँ बुआ के घर की तरफ और बच्चे लोग अभी उठे नहीं है, दागर उठी नहीं है, तो उसको टाइम लगेगा अभी तैयार होने में। तो मैं पहले आ गई हूँ कि कोई चले ना जाए मेरे से मिले भी ना। तो चलिए मिलेंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेके चलूंगी चंडीगढ़ की मार्केट। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चंडीगढ़ में जो विंटर मार्केट लगती है ना मनीमाजरा में, तो मैं मनीमाजरा जा रही हूँ। तो मनीमाजरा लेके चलूंगी वहाँ आप लोगों को, तो मार्केट दिखाऊंगी मैं आज आपको मनीमाजरा का। तो चले बने रहिएगा मेरी वीडियोज़ के साथ, उससे पहले भी काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने मिलेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये दादा पोती शूट चल रहा है यहाँ पे, दादा पोती। तो ये बड़े पिताजी हमारे, ये इनकी पोती और ये है आप मेरे पिताजी आवा जी है वो वहाँ पे, वहाँ वहाँ परसों का शादी का। ये है आने, इनकी बेटे की शादी थी, मेरी बुआ है ये, छोटी बुआ। तो छोटी बुआ की बेटे की शादी थी, आज खत्म होगी ना। आज भी कुछ है क्या? आज धामरू है। अच्छा चलो, आज भी एक फंक्शन है तो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम निकल जाएंगे आज, ठीक है। गांव वालों को बताया आज पार्टी। और यहाँ पे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब लोग झुंड बना के एक ही फोन में देख रहे हैं मेरे, इतने सारे व्यूअर्स खत्म। हाँ जी, तो फ्रेंड्स हम लोग खतरनाक जाम में फंसते हुए, पता नहीं यहाँ पे चट्टाने वटाने कुछ काट रहे हैं जिसकी वजह से कि लगा हुआ है जाम ना। बड़ी मुश्किल से एक जगह से निकले, दूसरी जगह में आके फिर फंस गए। पता नहीं कौन सा जाम लगा हुआ है, ऐसा सुपर जाम में दिखी आगे, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है ये भी पता नहीं चल रहा कौन सी जगह। फ्रेंड्स यहाँ पे चल रहा है खाओ सो है ना भाई, क्या चल रहा है? खाना पीना सोना, खाना पीना और सोना चल रहा है। और उसके बाद हम पहुँच गए हैं कहाँ, स्वर घाट में पहुंचे हम लोग, स्वर घाट से उतरने लगे नीचे। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम के ना 7:15 हो चुके हैं और हम लोग पहुंच गए हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में मैं जिस मार्केट में आपको लेके जाने वाली हूँ, तो मार्केट के बिल्कुल पास पहुंच गए, बट आगे क्या है थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। ये जाम अभी क्लियर होगा तो फिर मैं आपको लेके चलूंगी। मार्केट लगती है यहाँ पे विंटर्स में, बुद्धिस्ट लोगों की जो मार्केट होती है ना, टिबेटन मार्केट नहीं है ना ये, बुद्धिस्ट हिमालयन बुद्धिस्ट लोगों की एक मार्केट लगती है चंडीगढ़ में ना, मनीमाजरा ये शायद, मुझे जगह का एक्चुअली नहीं पता ठीक से। तो मैं आज आप लोगों को उसी मार्केट पे लेके चलूंगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। चले मिलते हैं मार्केट में जाके, बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे हमारे रिलेटिव है, इस मार्केट में काफी सारे रिलेटिव है, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए भी आए हैं साथ में। जब हम लोग चंडीगढ़ से गुजर ही रहे थे, हमने कहा मिल लेते, फिर आज जो हमारे मेरे जेठ है ना, उनका बैग था हमारे पास, तो वो बैग भी हम लोग यहाँ ड्रॉप करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि डिनर वो हमारे को यहीं पे बना देंगे, तो हम उनके यहाँ पे डिनर करके फिर निकलने वाले हैं। तो मार्केट बड़ी खूबसूरत लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है मार्केट तो बड़ी। तो चलिए मैं सामान भी दिखाती हूँ। देखिए होली फ्लैक्स ना बहुत ही अच्छे तरीके से लगा रखे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, तो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है मार्केट को देख के, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है सच में। इतने जो होली फ्लैग्स लगे हैं ना दिन के टाइम में बहुत खूबसूरत लगता होगा, देखिए कितनी पॉजिटिविटी आ रही है होली फ्लैग्स की वजह से भी ना। ये देखिए मार्केट ना इस तरह से है, यहाँ पे काफी बड़ी मार्केट लगी हुई है और काफी सुंदर कपड़े मेरे को नजर आ रहे हैं इसमें, कोट से लेकर स्वेटर से लेकर हर चीज ही मेरे को नजर आ रहा है। मिडीज भी दिख रही है काफी सारी, तो अच्छी सी मार्केट दिख रही है, काफी खूबसूरत सी मार्केट। मिल चुकी है हमको शॉप, तो ये देखिए शॉप है आजू पासन की, हमारे बड़े भाई साहब की शॉप यहाँ पे है। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को शॉप के अंदर। ये देखिए हिशे यहाँ फिर से मिल गया हमें, पहले नैनीताल में मिला करता था, अब यहाँ पे मिल गया है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, हिशे के पास काफी अच्छा सामान दिख रहा है। बैग भी रखा क्या? बैग भी रखा है, ठंडा काफी हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। तो देखिए हिशे लोग, अच्छा काफी अच्छी बड़ी सी दुकान है, काफी सारा कुछ दिख रहा है मुझे, है अब पहुंच ही रहे जस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको मिल गए हैं मामा जी की शॉप पे आए हुए हैं हम लोग, आशंक जी हमारे, आशंक कुंदन। तो आशंक कुंदन की शॉप पे भी आ गए हैं, तो आशंक कुंदन की शॉप पे भी काफी कुछ मेरे को अच्छा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे टर्टल नेक्स है बहुत खूबसूरत से, हाई नेक्स ना बहुत सुंदर से, और मिडीज दिख रही है काफी सारी, स्वेटर्स एंड कोट्स वगैरह काफी कुछ है इनकी शॉप पे भी। तो जो भी आइएगा आए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, चलिए हम अंदर की तरफ जंप करके जाते हैं, अंदर जाके जंप करते। ये देखिए ईवी भी आ गई है, तो ये स्टाफ है इनका। अच्छा तो देखिए नैने है, नैने नीलू। तो चले मैं अंदर जाके पहले मिल लूँ, फिर वीडियो स्टार्ट बनाऊंगी इसके बाद। आप लोग आ चुके दूसरी साइड को। एक्चुअली पता है दिन के टाइम अगर वीडियो बनाते तो अच्छी बनती है, अभी रात में ना लाइटें चमकने की वजह से, लाइट्स चमक रही है खूब ज़्यादा, तो दिख नहीं रहा है साफ से। तो ये है चंडीगढ़ मनीमाजरा में जो मार्केट है हिमालयन एसोसिएशन वालों की। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं मासी को, हमारी मासियाँ हैं, हमारी तीन तीन दो दो तीन तीन मासियाँ, तीन मासियाँ हैं।
यहाँ पे तो नहीं दिख रही है अभी, कहीं पे भी कोई मासी नहीं नजर आ रही है, तो कहीं इस साइड में या उस साइड में, बताए किस साइड में है? मिल गई, कहाँ है, कौन सी भी कहाँ दिखी तुझे? अरे तो ये मिल गए हमको टोमो, बस यहीं पे घूम रहे हम लोग, तो टोमो बिमला हमको मिल चुके, हम ढूंढते जा रहे हैं, देखो यार कहीं मिले तो। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे इवी गुड्डी की दुकान में। हेलो हेलो, तो ये है इवी गुड्डी की दुकान, कौन तो दुकान नंबर नहीं होता, दुकान नंबर होता है, दुकान नंबर है ना, दुकान नंबर चार, ये है दुकान नंबर चार। यहाँ पे बड़ा अच्छा कुछ मिल रहा है, अभी बड़ा अच्छा अच्छा सामान है। मेरे को ना ये बड़ा पसंद आया, ये वाला जो है फिलीज का बहुत खूबसूरत सा पीस है, एक बड़ा मस्त सा पीस है ये, इससे भी बढ़िया पीस है इनके पास। तो फ्रेंड्स आज का नाश्ता हम कर रहे हैं, आ चुके घर में, यहाँ पे चंडीगढ़ में ना जैसे दुकानें लगती है ना जो, तो वहाँ पे आज देखो इतना बढ़िया मस्त अच्छा सा बना रखा है। तो ये देखिए डाइनिंग टेबल, तो हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, आधी की शक्ल तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, तो आज लोगों ने बड़ा अच्छे से वो कर रखा है। तो आज का किचन क्या है कि इस बार अलग से है, वहाँ से दुकान से हटके, वरना सभी लोगों के किचन दुकान के पीछे पीछे को है। तो ये देखिए आप, हम लोग आए हुए डिनर करने, तो डिनर करके। तो फ्रेंड्स रात के बज चुके हैं 10 और हम लोग निकल चुके हैं चंडीगढ़ से, आदि को डाल दिया गया डिक्की में, आदि हमारा फिट हो गया डिक्की में ना, आदि तो आदि को मजा आ रहा होगा, पीछे और भी अकेला है, आदि बोल रहे बाहर में जाओ तुम लोग, मैं मजे से बैठा हूँ, भी अनकम्फर्टेबल तो नहीं है, तो फ्रेंड्स हम लोग निकल पड़े हैं ना, तो आज की जो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तो हमने आपको दिखाया है आज, अरे यार नहीं तो अंधेरे में आ गई हूँ पूरी, तो हमने आपको ना आज दिखाया जो चंडीगढ़ का मार्केट था ना, यहाँ पे हमारे रिलेटिव लोग लगाते हैं, मेरी हालत देखो कैसी हो गई है, मेरी हालत देख रहे हैं आप लोग, शादी के बाद ऐसी हो गई हालत, शादी में लोगों देख के मैं ऐसी हो गई हूँ, शादी में लोग वहाँ ऐसे पहनते हैं ना हमारे वहाँ गाँव में, ये भी ऐसी बन गई गाँव की चोरी, गांव की चोरी बन गई धाम खा के, धाम खाने की आदत नहीं है, धाम खाना नहीं आता दागा लोगों को, जब धाम खाने की आदत पड़ गई, खाने में टेस्टी लगने लगा, तब तक हमको वापस आना पड़ गया, वही तो स्टार्टिंग में तो मैंने खाया ही नहीं था एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय। तो फ्रेंड्स आजकल जो है ना ओवरनाइट हम लोग जो करते ड्राइव करते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है अब, क्योंकि धुंध इतनी खतरनाक हमको बीच में अभी एक जगह मिली है, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल नहीं नजर आ रहा था, तो रात का जो सफर करते हैं लोग अवॉइड करें, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था धुंध का, तो हम लोग निकल आए हैं नाइट में, खत्म अंधेरा, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा, रोड ही नजर आ रही, कहाँ जा रहा है पता नहीं।